वेलकम मिस्टर दक्ष सिंघानिया, ये रही आपके कमरे की चाबी। वैसे तो मीरा सिंघानिया ने आपकी बुकिंग 24 घंटों के लिए की है, बट आई एम श्योर आपको ये जगह इतनी अच्छी लगेगी कि आपका मन कुछ दिन और रुकने के लिए करेगा। भाभी, आपने भले ही 24 घंटे के लिए हमारे यहाँ बुकिंग करवाई है, लेकिन मेरा वादा है आपसे भाभी कि 24 घंटे पूरे होने से पहले ही आप मुझे अपने सामने खड़ा पाएंगी। हैव ए गुड डे सर, हैव ए गुड डे मैम। सर, यस, आज रात रिसॉर्ट की तरफ से एक स्पेशल बाल डांस पार्टी रखी गई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप और मैम भी इस पार्टी में शामिल हो। व्हाई नॉट सर, बाल डांस हम जरूर आएंगे। थैंक यू सर। हेलो, हाँ भाभी, हाँ जी, हम पहुंच गए। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाभी, वेरी नाइस प्लेस। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम एक और दिन रुक जाएंगे यहाँ पर। जरूर जरूर, क्यों नहीं, आखिर शादी के बाद पहली बार तुम दोनों बाहर गए हो। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अनुपमा का ख्याल रखना और उसे जरा भी अकेला नहीं छोड़ना, समझे? आप फिक्र मत कीजिए भाभी, मैं उसका बहुत ध्यान रखूंगा, उसे मेरे नजरों के सामने से एक पल के लिए भी जाने नहीं दूंगा। भाभी, अब आपकी कोई भी चाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जीत इस बार मेरे ही हिस्से आएगी, क्योंकि अपनी बाजी तो मैं यहाँ आने से पहले ही बिछा आई हूँ। ठीक है, फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। अपना ख्याल रखना और अनुपमा का भी, ठीक है? बाय। ओके भाभी, बाय बाय। शुक्र है, आखिरकार ये दोनों रिसोर्ट पहुंच ही गए। अब अनुपमा रानी वहां बैठकर सिर्फ दादी के आजादी के सपने देखो, क्योंकि अगले 24 घंटों तक और कुछ तो तुम कर नहीं सकती। वही मानना पड़ेगा भाभी की चॉइस को, फिर चाहे वो ये जगह हो या फिर ये रिसोर्ट। बाय द वे अनु, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। अरे बाप रे, इतने ठंडे रिमार्क्स, क्या बात है। तुम्हें कहीं इस कमरे में अकेले मेरे साथ डर तो नहीं लग रहा? डर? डर तो गहरों से लगता है, आप तो मेरे पति हैं। मनु, तुम्हें मुझसे डर लगे या ना लगे, मुझे तुम्हारी बातों से जरूर डर लगता है। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। खैर, मुझे बहुत नींद आ रही है अनु, मैं चला सोने। अरे आप सो कैसे सकते हैं? आपने भाभी को प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे एंजॉय करवाएंगे। चलिए उठिए, जाकर बाथरूम में फ्रेश हो जाइए और तैयार हो जाइए, फिर हम आउटिंग पर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और घूमेंगे फिरेंगे और खाएंगे पिएंगे और क्या। जाइए ना, तैयार हो जाइए। ओके।
जाओ, बाद में आओ। चल। आइसक्रीम। ए भागो तुम भागो। कल आइसक्रीम दो। अरे जाओ ना बाबा, बाद में आओ। क्या हुआ? रुक क्यों? अरे यार अभी दुकान लगाई नहीं। अनूप क्या हो गया आज तुम्हें? बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो। पहले वहां पर पानी पूरी और अभी आइसक्रीम। प्लीज दक्ष। भैया एक आइसक्रीम दे दो। एक नहीं, छह। छह? छह आइसक्रीम अनु? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? छह क्यों? दक्ष रुकिए ना, लीजिए ना। नहीं कि इन बच्चों के लिए आज का दिन तुमने कितना खास बना दिया। देखो कितने खुश हैं। दक्ष, ये मैंने उनकी खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए किया। इन्हें खुश देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, इसका मैं बयां भी नहीं कर सकती। ये देवी माँ की ज्योत है और जब कभी दुष्टों और पापियों का आतंक बढ़ जाता है तो यही ज्योत उन पापियों को जलाकर भस्म कर देती है। हाँ बेटा, कैसे हैं आप? हाँ बेटा, हम तो ठीक हैं। ये बताओ तुम कैसे हो? हमारा दिया हुआ गिफ्ट कैसा लगा तुम्हें? यू एंजॉयिंग ना? बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं भैया, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। मैं जानती हूँ भाभी, आप और भैया वहां रहकर भी मेरे पल पल की खबर रख रहे हैं, पर अफसोस इससे आप लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो सोच रखा है उसे आप लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। हाँ भैया, हम अभी अभी बाहर से लौटे थे, अब थोड़ी देर के बाद डिनर के लिए निकलने वाले हैं। वाह वाह। हाँ जी। हाँ, वो रिसोर्ट वालों ने कुछ बॉल डांस का प्रोग्राम अरेंज किया है तो वहीं पर जाएंगे। अरे बेटा यहाँ की फिक्र मत करना, हम सब कुछ यहाँ संभाल लेंगे, ठीक है? You just have a rocking time over there. All right. Okay भैया, okay okay. Good night बेटा. And sweet dreams, दक्षिण अनुपमा. अरे वो वहाँ पे बहुत मजे कर रहे हैं और तुम यहाँ इतनी टेंशन में खड़ी। हमने जो सोचा था ना, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, हमारे प्लान के मुताबिक, परफेक्ट प्लानिंग। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज रात में तुम्हें डिनर पे ले चलूं। देखो ना, इस लाइफ के चक्कर में मैं अपनी वाइफ का ठीक तरह से ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज की शाम आपके ना कैसे रही, और कहीं ना बड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। पूछो कैसी नर्वसनेस? कैसी नर्वसनेस? ये डेट पे जाने से पहले वाली नर्वसनेस। ओके। आपको नहीं हो रहा कुछ? चलिए चलते। चौबीस घंटे के अंदर अंदर उनके रूम का दरवाजा मैं खुलवा कर रहूंगी।
हमेशा हमेशा के लिए। काफी वक्त हो गया है हमें घर से निकले हुए, अब हमें कैसे भी करके घर लौटना होगा, लेकिन कैसे, क्या कहूं जिससे कि दक्ष घर वापस चलने के लिए मान जाए, क्या करूं? क्या हुआ अनु? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बिल्कुल खुश थी, अभी अचानक ये उदास सा चेहरा बना रखा है। दक्ष, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया ने ये पेपर्स दिए थे मुझे साइन करने के लिए, जो मुझे साइन करके उन्हें आज ही देने थे, क्योंकि कल इन पेपर्स के सबमिशन की लास्ट डेट है, और मैं भूल गई। अब भैया क्या करेंगे? अनु तुम टेंशन मत लो, मैं अभी भैया को फोन करता हूँ और उनके पास जरूर कोई ना कोई हल होगा। नहीं दक्ष, फोन मत करना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि भैया क्या कहेंगे। भैया और भाभी हमसे बहुत प्यार करते हैं दक्ष, उनके लिए हमारी खुशी से ज्यादा और कोई चीज अहमियत नहीं रखती, ये पेपर्स भी नहीं। मुझे तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि मैं ये पेपर्स भैया को देना भूल कैसे गई। कोई बात नहीं अनु, अब तो लगता है कि हमें घर ही वापस जाना चाहिए, है ना? हाँ दक्ष, शायद यही ठीक रहेगा। अब लेकिन हम भाभी को क्या कहेंगे? अनु तुम उसकी चिंता मत करो, मैं भाभी को समझा दूंगा। तुम फटाफट बैग पैक कर लो, मैं तब तक पेमेंट्स क्लियर करके आता हूँ, ठीक है? मैं वापस आ रही हूँ भाभी। लक्ष्य, टाइम क्या हो रहा है? 10:30 बज गए। 10:30 बज चुके हैं और अब से ठीक आधे घंटे बाद दादी अपनी आजादी के लिए अपना पहला कदम उठा चुकी होंगी। इसका मतलब मेरे पास घर पहुंचने के लिए सिर्फ 30 मिनट है। पता नहीं घर पहुंचने में और कितनी देर लगने वाली है। आप लोग तो ईद के चांद हो गए हैं। चांद तो फिर भी साल में एक बार दिखाई दे देता है, लेकिन आप लोग तो। हाँ, यहाँ आए दिन फंक्शंस पार्टीज होते रहती हैं, सभी दोस्त आते हैं, पर आप दोनों कभी नजर नहीं आते। भाई जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे या कभी लाइफ को एंजॉय भी करेंगे? देखिए, हम तो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी सुख और चैन से कटे, इसलिए तो इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। दक्ष, हम घर कब तक पहुंचेंगे? ज्यादा नहीं, आधा घंटा और लग जाएगा। आधा घंटा, यानी कि ठीक 11 बजे जब दादी उस दरवाजे को आग लगा चुकी होंगी। एक बार हमारा सपना पूरा हो जाए उसके बाद देखना, हम अपनी जिंदगी का हर एक पल ऐसे एंजॉय करेंगे, और ऐसे एंजॉय करेंगे कि दुनिया की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्यों? क्या हुआ दक्ष, गाड़ी क्यों रोक दी? पता नहीं, शायद इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई। तुम यही बैठो, मैं देखता हूं। मैं जिंदगी की बाजी लगा के मौत से खेलता हूं जुआ।
अनु, लगता है आज घर पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। पर क्यों दक्ष? क्योंकि कार्बोरेटर में कचरा आ गया और जब तक ये कचरा साफ नहीं होगा ये गाड़ी यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं होगी। अगर हम वक्त पर घर नहीं पहुंचे तो कहीं उन आग के लपटों में दादी भी ना आ जाए। ग्यारह बज गए हैं अनु बेटा और मैंने मैंने अग्नि प्रज्वलित कर दी है। देखिए ना, शायद आसपास कोई मैकेनिक मिल जाए। Come on, अनु, इतनी रात गए हम कहाँ मैकेनिक ढूंढते फिरेंगे? अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कल सुबह तक तो वेट करना ही पड़ेगा। पर दक्ष, वो पेपर्स, आप तो जानते हैं ना कि वो सुबह 10 बजे तक ऑफिस पहुँचाने बहुत जरूरी है, वरना भैया बहुत परेशान हो जाएंगे। प्लीज आप एक बार स्टार्ट करके देखिए ना, शायद शुरू हो जाए। अनु, मुझे गाड़ी चला नहीं आती, ठीक करनी नहीं आती। तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो, ठीक है मैं ट्राई करके देखता हूँ। अनु बेटा, आज ये पवित्र अग्नि दुष्टों के बुरे इरादों को संहार करने के लिए भभक उठी है। इस होटल में सिर्फ दो आर्टिस्ट और साइंस का मैजिक। सुनिए, रुकिए। आज हमारी सच की जीत होके रहेगी बेटा। हाँ, आज सच जीत के रहेगा। कि मुझे दो तरह के लड़के पसंद हैं, गाड़ी खराब हो गई। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा हम पर। आपको लिफ्ट देना तो हमारी खुशनसीबी है। अरे चलिए। अब यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ठीक है। देखो वो बस्ती है ना, वहाँ चलते हैं। वहाँ पे जरूर कोई होटल या लॉज होगा, हम रात वहीं गुजार लेंगे। लेकिन दक्ष, वो पेपर। Come on, अनु, वो पेपर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं तुम्हें इस सुनसान रास्ते पर लेकर इतनी रात को खड़े रहूं। चलो। हे भगवान, मैं तो दादी की मदद करना चाहती थी और मैं ही उन्हें इतनी बड़ी मुश्किल में फंसा बैठी। अब क्या होगा? अब तक तो दादी आग लगा भी चुकी होंगी, अब बस उन्हें मेरा ही इंतजार होगा। क्या करूं, कैसे बचाऊं दादी को मैं? अनु, मुझे क्यों नहीं अभी तक? आग बढ़ती जा रही है। और For more updates, log on to Sahara1.in. Like us on Facebook.com/Sahara1TV. Follow us on Twitter.com/Sahara1Media. For more updates, log on to Sahara1.in. Like us on Facebook.com/Sahara1TV. Follow us on Twitter.com/Sahara1Media.